आज की जो वीडियो है यह बहुत ही रिक्वेस्ट वीडियो है और सबसे मेरे को जितना सारा कमेंट मिला सबसे ज़्यादा इस बारे में कमेंट मिला कि हम सर हमने हमारा जो पासवर्ड है और यूज़र नेम है वो हमने हमारा याद नहीं है, क्या मैं नया पासवर्ड को जनरेट कर सकती हूँ और सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या है, आगे हम लोग इस बारे में बातचीत करेंगे। और आज हमको आप मैं आपको दिखा दूंगा लाइव जो है आपको कैसे आपका पासवर्ड याद नहीं है तो कैसे आप फॉरगेट पासवर्ड में जाने के बाद आप ITBP में कैसे अपना नया पासवर्ड को जनरेट कर सकते हो। और मेरे को बहुत सारा भाई का कमेंट आया कि सर मेरा अभी तक एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया, मेरा तो फ्रेम की स्टेटस सब कुछ ठीक ठाक है, तो मैं इस बारे में भी आपसे आज बातचीत करूंगा। तो प्लीज़ आप वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। अगर आप वीडियो को स्किप करते हो तो आपको कुछ नहीं मालूम पड़ेगा कि आपको कैसे नया पासवर्ड को जनरेट करना है और ITBP में अभी तक आपका आया है तो आपको क्यों नहीं, आपका एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया, मैं आज आपसे इस बारे में बातचीत करूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे को सारे व्यूअर से एक रिक्वेस्ट है कि दोस्तों अभी तक आपने हमारा जो चैनल है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ये जो लाल वाला बटन है इस पर जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ में जो बेल आइकन है वो भी आप दबा दीजिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन नहीं भेजेगा और आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं आपको सब कुछ के बारे में लाइव आपको दिखा देता हूँ कि और ये मेरा फाइनल फॉर्म है, मैं पैसे के लिए कुछ भी नहीं करूँ, जो कुछ भी करो आपके लिए करो। तो जिन सारे दोस्तों ने मेरे को सब्सक्राइब कर लिया उनको बहुत बहुत थैंक यू, वेलकम। बहुत सारा दोस्तों ने मेरे को सब्सक्राइब किया उनको बोलना चाहूँगा थैंक यू। तो आज की जो वीडियो है बेसिकली तीन टॉपिक पे है, अगर आपने अपना पासवर्ड को भूल गए हैं तो कैसे आप अपना पासवर्ड को रिकवरी कर सकते हो ITBP में, और अभी तक जिन सारे दोस्तों के ITBP खुल रहे हैं और सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या है, और बहुत सारा दोस्तों को एडमिट कार्ड नहीं आया क्यों नहीं आया, तो मैं आगे आपसे इस बारे में बातचीत करूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको बासिप क्या करना है, किसी भी ब्राउज़र में ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, बासिप टाइप करना है ITBP। आपको किसी भी ब्राउज़र है जाने के बाद आपको बासिप टाइप करना है ITBP। जैसे आप ITBP टाइप करोगे, टाइप करने के बाद आपके सामने ऐसा एक नया एक विंडो खुल जाएगा। आपको ITBP फर्स्ट में नहीं जाना है, सेकंड में जो है ITBP रिक्रूटमेंट, सेकंड में जो है ITBP रिक्रूटमेंट, आपको रिक्रूटमेंट पर क्लिक करना है। तो जैसे आप रिक्रूटमेंट पर क्लिक करोगे, रिक्रूटमेंट पे क्लिक करने के बाद उनका जो पेज है पेज में उन लेके जाएगा जहाँ ITBP का ऑफिशियल जो वेबसाइट है, वेबसाइट का फीस आपको यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। तो आज हमने अभी क्या करना है कि अगर आपने अपना पासवर्ड को भूल गए तो कैसे आपको पासवर्ड को जनरेट कर सकते हो। तो पासवर्ड को जनरेट करने के लिए आपको क्या करना है, बस सिर्फ लॉगिन पे क्लिक करना है। और बहुत सारा दोस्तों के ये भी कमेंट था कि दोस्तों मेरा जो पासवर्ड क्या डालना है, यूज़र नेम क्या डालना है, मेरे पास तो प्रिंट पर आ रखा है, लेकिन प्रिंट से जो आपको ईमेल एड्रेस है वो आपको यहाँ पे डालना है, और पासवर्ड जो है वो आपने अलग से सेट किया था और उसको ITBP का पासवर्ड कुछ अलग है। तो मैं आपको, मेरा भी एक फॉर्म है जिस फॉर्म का मेरा भाई का फॉर्म है, मैं आप उसको उसका भी पासवर्ड भूल गया था, मैं आपको आज रिकवरी करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको पासवर्ड को रिकवरी करना है। तो मैं भी यहाँ पे जो मेरा भाई के जो वेब मतलब कि ईमेल एड्रेस है मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, और रॉन्ग पासवर्ड देने के उसको भी पासवर्ड याद नहीं है, तो मैं भी आज इस मतलब कि जो पासवर्ड है इसके पासवर्ड को मैं आज जनरेट करूँगा। तो कैसे आपको पासवर्ड को जनरेट करना है तो मैं आपको आज बोलूँगा इस वीडियो में, तो प्लीज़ आप लास्ट तक देखते रहिए। तो मैं जो मेरा भाई की ID है मैं एक बार ट्राई करता हूँ कि जो मेरी ID है उससे खुलता है कि नहीं खुलता है। तो मैं यहाँ पे मेरा जो ID है उसको टाइप करता हूँ, उसके बाद मैं जो मेरा पासवर्ड है मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ। मैं भी मेरा पासवर्ड डाल दिया, उसके बाद मेरा को कैप्चा डालना है KWLEX, सॉरी सब कुछ कैपिटल में डालना है, मैं तो ये इसमें डाल दिया KWLEX। तो मैंने तो सब कुछ मेरा कैप्चा भी डाल दिया, उसके बाद मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। देख सकते हो आप क्या बोल रहे हैं, काइंडली एंटर योर करंट यूजर नेम और पासवर्ड। ये लिखा होने से क्या समझ में आएगा आपको कि आपका जो पासवर्ड है वो गलत है, आपका पासवर्ड और यूजर नेम ठीक है, पासवर्ड गलत है, आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं तो CRFS एरर यहाँ के यही है कि आपका पासवर्ड गलत है, नहीं तो और भी कुछ प्रॉब्लम है। तो आज मैं ये जो पासवर्ड तो गलत बोल दिया, तो अभी मैं क्या करना पड़ेगा, आपको नया पासवर्ड ले लेने के, आपको तो ईमेल एड्रेस पता है, तो आपको पासवर्ड रिकवरी करने के लिए बस सिर्फ फॉरगेट पासवर्ड जब एकदम साथ में जगते हो लॉगिन के नीचे ही है, फॉरगेट पासवर्ड में क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद एकदम फास्ट में आएगा आपका ईमेल एड्रेस, उसके साथ में आएगा आपका डेट ऑफ बर्थ,
उसके साथ में आएगा न्यू पासवर्ड, कॉन्फर्म पासवर्ड, सिक्योरिटी क्वेश्चन। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या होता है, सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या होते हैं दोस्त, जैसे कि आपने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया, अप्लाई फ्रॉम अप्लाई करने के बाद आपको पूछा गया कि अगर आप अपना पासवर्ड कभी भी भूल गए हो तो आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या है। जैसे कि सिक्योरिटी क्वेश्चन कोई बहुत सारा रखता है कि फेवरेट मूवी का नाम रखता है, फेवरेट टीचर का नाम, फेवरेट सब्जेक्ट है, फेवरेट गेम है, फेवरेट पेट नेम है, फेवरेट कलर है, फेवरेट कार नंबर, फास्ट कार नंबर, ये सिक्योरिटी क्वेश्चन, फेवरेट मूवी है, आप अपना नाम रख सकते हो, ऐसे ही कुछ आपने सिलेक्ट किया। अगर कोई दोस्तों बोलता है कि भाई मैंने तो कुछ भी नहीं सिलेक्ट किया, तो आपने सिलेक्ट नहीं किया, लेकिन आपने जहाँ पे जाके अप्लाई किया उस भाई ने सिलेक्ट किया। अगर आपने सिलेक्ट नहीं किया तो आपका फॉर्म प्रिंट नहीं होगा, मतलब कि आपने सिलेक्ट किया और ईमेल का पासवर्ड आपको नहीं डालना है, ITBP का अलग सा पासवर्ड डालना है। और पासवर्ड आपको कैसा पासवर्ड है, वो भी नॉर्मल पासवर्ड नहीं होगा, आपको जो भी पासवर्ड होगा वो एक बड़ा अक्षर में चाहिए, एक छोटा अक्षर में चाहिए और ऐसा चाहिए। तो आपको अपना फॉरगेट पासवर्ड को रिकवर करने के लिए फास्ट में जो आपका ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो मैं भी मेरा ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल देता हूँ। देख सकते हो ईमेल एड्रेस इस रजिस्टर, यानी कि मेरा जो ईमेल एड्रेस है वो सब कुछ ठीक ठाक है। और पासवर्ड, पासवर्ड में क्या करना है दोस्तों, आप जब भी पासवर्ड रखते हो कभी भी आपको पासवर्ड ऐसे सेट करना है, जैसे कि R हो गया कैपिटल, RAJU@1234, नहीं तो RAJU Raju@1, उसका बर्थ है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है ऐसा रखता है। नहीं तो आपको क्या करना है, S पहले आपको S बड़ा अक्षर में लिखना है, SURAJU@1234, कभी भी आप बस सिर्फ ऐसे ही आपको पासवर्ड सेट करना है। तो इसके लिए आपको याद रहेगा, कभी भी आप ऐसा फॉर्म फिलअप करो कि आपका नाम हो गया राजू, तो आप R को कैपिटल में रखो, RAJU@1234, नहीं तो आपका डेट ऑफ बर्थ का, आपका जिस बर्थ जिस ईयर में आपका ब्रॉन है आप इसी को सिलेक्ट करो, तो भी आप अपना पासवर्ड कभी भी नहीं भूल सकोगे। तो मैं भी जो मेरा न्यू पासवर्ड है मैं यहाँ पे डालने के लिए कोशिश करता हूँ, मेरा जो न्यू पासवर्ड है मैं यहाँ पे डालता हूँ। तो मैं भी जो मेरा पासवर्ड है, मेरा भी पासवर्ड है, मैंने डाल दिया। पासवर्ड आपको ऐसा बोलना चाहिए, आप देख सकते हो जो पासवर्ड में जो है उनका जो टर्म्स एंड कंडीशन आप यहाँ पे देख सकते हो, आपका एक अक्षर बड़ा चाहिए छोटा चाहिए, आपको पासवर्ड ऐसे ही रखना पड़ेगा। आप अगर आप नॉर्मल पासवर्ड रखते हो तो आपका पासवर्ड नहीं होगा। इसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बस सिर्फ सिलेक्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन, आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन किया सिलेक्ट किया था, तो मैंने जो सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट किया था वो तो मेरा तो सिक्योरिटी क्वेश्चन मैंने फेवरेट प्लेस सिलेक्ट किया था, तो मैंने फेवरेट प्लेस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जो मेरा फेवरेट प्लेस जो है मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ। तो मैंने भी जो मेरा फेवरेट प्लेस था प्लेस का नाम यहाँ पे डाल दिया, और मेरे को मेरा सिक्योरिटी याद है तो मैं सिक्योरिटी याद तो मैंने डाल दिया। अगर आपने आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन भी याद नहीं है, पासवर्ड भी याद नहीं है, तो मैं क्या करूँ, इस बारे में भी आगे हम लोग बातचीत करेंगे। तो प्लीज़ आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको इस वीडियो में पूरा सब कुछ जानकारी दूंगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, बासिब आपके जो कैप्चर है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो मैं भी मेरा यहाँ पे जो कैप्चर है वो टाइप करते हो DUY65K। ये तो था मेरा कैप्चर, मैं तो डाल दिया, अगर आपको रिफ्रेश करना है तो डाल सकते हो। इसके बाद में आपको क्या करना है, बासिब अपना ईमेल एड्रेस डालना है, उसके बाद आपको बोलेगा ईमेल इज रजिस्टर्ड, यानी कि आपका ईमेल रजिस्टर है, आपका ईमेल ठीक है। अगर आपका ईमेल गलत है तो ऐसा नहीं होगा, आपको कुछ और ही दिखाई देगा, रेड कलर का हो जाएगा। उसके बाद आपको नया पासवर्ड सिलेक्ट करना है, और उसके बाद में आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, उसके बाद में बस आपको सबमिट पे क्लिक करना है। क्या करना है, बस आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे, कब सिलेक्ट होता है डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद साथ में आपको जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं भी मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। तो मैं भी जो मेरा डेट ऑफ बर्थ था मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, तो मेरा डेट ऑफ बर्थ भी मैं भी, उसके बाद मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। और जो पासवर्ड जो है स्पेशल करेक्टर, तो पासवर्ड में कुछ पासवर्ड जो मेरा ठीक नहीं है, तो मैं भी मेरा पासवर्ड को डाल देता हूँ। अभी देखा मेरा पासवर्ड ठीक नहीं हुआ, इसीलिए उन लोगों ने क्या किया, मेरा जो पासवर्ड था वो गलत कर दिया। मैं भी मेरा पासवर्ड ठीक से मैं डाल देता हूँ, मेरे को भी याद नहीं रहता मैं भी क्या डालता हूँ। तो मैंने भी मेरा पासवर्ड के उनका टर्म्स एंड कंडीशन था नहीं कंडीशन करता, इसीलिए तो मेरा जो है मतलब कि पासवर्ड नहीं सिलेक्ट किया था, मतलब कि उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, तो मैंने नया मेरा पासवर्ड सिलेक्ट किया। और ठीक, आप ऐसे ही पासवर्ड सिलेक्ट कीजिए और आपका रिजेक्ट नहीं होगा। तो मैं भी ऐसा पासवर्ड सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं सबमिट पर क्लिक किया। तो जैसे ही सबमिट पर क्लिक किया, आप देख सकते हो कि सबमिट पर क्लिक कर रिक्रूटमेंट जो है मेरा सब कुछ जो है मतलब कि मैंने ट्राई किया। तो अभी मैं क्या करता हूँ, तो आपको यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको यहाँ पर लिखा होगा योर
पासवर्ड चे योर मतलब कि आपका न्यू योर मतलब कि आपका जो पासवर्ड है योर कंडीशन इज सक्सेसफुल आपको यहाँ पे लिखाई देगा, लेकिन आपको नहीं दिखाई दे रही। यानी कि मैं एक बार कोशिश करता हूँ कि मेरा जो है पासवर्ड चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो मैंने अभी जो था मैंने अपने को सब कुछ दिखा दिया कि आपको ईमेल एड्रेस डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, कौन न्यू पासवर्ड डालना है और सिक्योरिटी क्वेश्चन डालना है, कैप्चा डालने के बाद आपको सबमिट करना है। तो मैं क्या करता हूँ अभी जो मेरा जो नया पासवर्ड है मैं इसमें से डालने के लिए मतलब कि लॉग इन होने के लिए कोशिश करता हूँ। तो मैं यहाँ पर टिक किया, लॉग इन पर क्लिक किया। तो लॉग इन पर क्लिक करने के बाद वेबसाइट थोड़ा स्लो चल रहा है। लॉग इन पर क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, वेबसाइट बहुत ही स्लो चल रहा है। पे क्लिक किया, लॉगिन करने के बाद मेरा जो ईमेल एड्रेस है मैं यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद मेरा जो पासवर्ड मैंने जो नया पासवर्ड जनरेट किया मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। मेरा जो पासवर्ड था मैं यहाँ पे मैंने अभी अभी फॉरगेट पासवर्ड से जो पासवर्ड डाला मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। मेरा जो अभी अभी मैंने फॉरगेट पासवर्ड में डाला वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। मैं आपको दिखा दिया कि आपको कैसे पासवर्ड डालना है। उसके बाद में मैं कैप्चा डालता हूँ, मैं लॉगिन पे क्लिक किया। और जैसे ही मैंने लॉगिन पे क्लिक किया अभी देखता हूँ कि मेरा जो पासवर्ड है वो ठीक ठाक से चेंज हुआ कि नहीं हुआ। मैं अभी आपको थोड़ा वेट कीजिए तो आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा इस वीडियो में। देख रहा कि आपने देखा दोस्तों, जो मेरा जो पासवर्ड था मेरा पासवर्ड तो सब कुछ ठीक ठाक हो गया। मैंने आपको पहले भी दिखाया कि मेरा जो एरर बोल रहा था, लेकिन मैंने अपना पासवर्ड को फॉरगेट किया। फॉरगेट करने के बाद मेरा जो पासवर्ड है आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरा नाम और मेरा सब कुछ डिटेल्स है यहाँ पे आप देख सकते हो। दोस्तों अगर आपको अपना पासवर्ड कभी भी रीसेट करना है तो आप ऐसे ही अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। ये रहा प्रोफाइल इमेज अप्लाई सब कुछ मतलब कि माय एप्लीकेशन सब कुछ आपको यहाँ पे। अगर आप भी अपना पासवर्ड को कभी भी चेंज करना चाहते हो और मतलब कि आपका पासवर्ड को फॉरगेट करना चाहते हो तो भी आप ऐसे ही अपना फॉरगेट पासवर्ड में जाने के बाद आप अपना पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, आपको कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ फॉरगेट पासवर्ड में जाना है और अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन याद नहीं। जिन सारा दोस्तों को सिक्योरिटी क्वेश्चन याद नहीं है और भी पासवर्ड भी याद नहीं है, उनको कई उन लोगों को क्या करना है, तो अगर आप एकदम फास्ट में आओगे तो आपको एक वेबसाइट मिलेगा। मैं आपको इधर से तो नहीं खुल रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ। उनका एक हेल्पलाइन नंबर है ITBP का, मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। उनके आपको कुछ उन लोग ही कुछ हेल्प कर सकते हैं। ITBP का जो है ITBP रिक्रूटमेंट, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो उनका एक हेल्पलाइन नंबर है। यह है हेल्पलाइन नंबर इनका। अगर आपको अपना पासवर्ड भी भूल गए, सिक्योरिटी क्वेश्चन भी याद नहीं, आपका ID नहीं खेल रहे, तो यह है उनका नंबर 011243। यह है उनका नंबर, आप उनको फ़ोन कर सकते हो, नहीं तो उनका एक मेल एड्रेस है, मेल पे भी आप मेल कर सकते हो। और अभी जो सेकंड की जो टॉपिक है यह है कि वाटर कैरियर की और वाशरमैन की। और बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आया कि सर अभी तक मेरा वाटर कैरियर का मेरे को अभी तक एडमिट नहीं है। आप मतलब कि आप टेंशन मत लीजिए, आपका फॉर्म ठीक ठाक है, फील हुआ सब कुछ है। जून बरसेस निकल रहे, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट का आज है, आपका मुंबई का काल है, त्रिपुरा की काल है, आसाम की आज है, राजस्थान की, मतलब कि आपको जून बरसेस निकल रहे। सबका एक साथ में नहीं निकल रहे, लेकिन सबका निकल रहा है, इसी महीने का सबको निकलेगा। अभी तो बाकी रह गया बस सिर्फ वाटर कैरियर का बाकी रह गया और वाशरमैन का बाकी रहेगा और कुक का बाकी रहेगा, और बाकी सबका कॉल लेटर है पूरा ऑल ओवर, जितने भी जून का है सबका निकल गया। जिन सारा बोस्ते के वाटर कैरियर में डाला है, वाशरमैन में डाला है, कुक में डाला है, उन लोग टेंशन मत लीजिए, आपका भी कॉल लेटर आएगा। सबका एक साथ में नहीं आ रहा है, एक दो दिन बाद में आ रहा है, आप इसके लिए टेंशन मत लीजिए। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। गुड नाइट फ्रेंड।